पांडे जी, मेरा सवाल सीधा सा एक ही रहेगा तीनों से कि अब ऐसे कौन से कदम सरकार उठाए जो अभी तक नहीं उठाए गए हैं कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और आपदाओं में जनहानि कम से कम हो। कोई ऐसा कोई आपके पास पॉलिसी हो? कोई आपको सबसे पहले बताया, सबसे पहले हमें पार्किंग की समस्या के ऊपर काम करना चाहिए जो मेजर समस्या है। हमें अच्छे होटल्स देने चाहिए धार्मिक पर्यटन, क्योंकि जो धार्मिक पर्यटन करने आता है बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उनको एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ेगी जी। सबसे बड़ी समस्या वही है। हमने ऑलरेडी इतनी बड़ी रोड के प्रोजेक्ट चाल दिए हैं, रोड बनने के बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, एक आदमी आराम से कोई भी धार्मिक पर्यटन कर सकता है। रोड तो ऐसी बनती है कि बारिश होते ही टूटना शुरू हो जाती है। बिल्कुल नहीं, ये जो चार धाम है ये ऑल वेदर रोड है, आप इस पूरे प्रोजेक्ट को पढ़िए। आपके पास कोई कदम? बस हो गया, ऑल वेदर रोड है। कोई, मैं भंडारी जी के पास आता हूँ, भंडारी समय कम है, कौन से ऐसे कदम है जो आप बताना चाहेंगे कि सरकार ये करे बिना किसी आरोप के? नहीं, पहले तो अब सड़क टूट कैसे जाएगी? जिस सड़क का नाम ऑल वेदर रोड है वो टूट कैसे जाएगी? ऑल वेदर रोड का नाम क्या होता है? जो 12 महीने में चले, हर मौसम में चले जी। तो हमने बनाई है भंडारी जी, टूट गई उसी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है। ये बताइए ना मुझे, चार धाम यात्रा में कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, वही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का विजन है। ऑल वेदर रोड जो है, ये आपको नहीं मालूम, ऑल वेदर रोड जो है अभी निर्माणाधीन है, आपकी बनाई हुई रोड जरूर टूट रही है। ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ऑल वेदर रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरी तरह से, अभी बनी नहीं है, अभी बनी नहीं है। वही मैं कहने जा रहा हूं, भंडारी जी, मैंने इसी वजह से आपसे पूछा, लेकिन इनकी बनाई हुई जरूर धड़ाधड़ तो है। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, और उत्तराखंड का जो सच में विकास होना चाहिए वो चाहे आपकी सरकार रही हो या इनकी सरकार, जो लोगों को उम्मीद है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। हालांकि अब तमाम तरह के प्रोजेक्ट इस सरकार ने शुरू किए हैं, अब सरकार जनता बताएगी कि कितनी उम्मीदों पर वो खड़े उतरते हैं, या फिर आपको जिस तरह से बेरोजगार किया इनको भी बेरोजगार करते हुए देर नहीं लगेगी जनता को। आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कर रहे हो बाबा रामदेव जी, अगर हमारी बात सुनने तो भैया वो काला धन लेके आए, सारे उत्तराखंड और देश की जनता इंतजार कर रही है। ये खाली मुहावरों से और खाली सपने दिखाने से देश का पेट नहीं भरने वाला, और भाषणों से भी पेट नहीं भरने वाला। बिल्कुल यही मेरा कहना है कि जनता ना भाषणों से मानती है ना उनका पेट भरता है। तमाम बड़े बड़े वादे आप लोग करते हैं और उसका नतीजा आप भी देख चुके हैं। जनता आपकी भी नहीं है, भी एक छोटे से गरीब व्यक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला गैस की योजना में हो, चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के रूप में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के रूप में हो, चाहे वो उन्हें सौभाग्य योजना के रूप में हो, सब कुछ एक गरीब व्यक्ति को केंद्र से लेकर राज्य सरकार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है और कर भी रही है। कितने घरों को, कितने गांवों को रोशन करने का काम किया है, ये सारी उपलब्धियां जो शायद इनको दिखाई दे रही है। गांव रोशन हो रहे हैं, उत्तराखंड रोशन होगा नहीं होगा, हमारा यही सवाल है और इसका जवाब जनता बताएगी कि आप कितना उत्तराखंड रोशन कर पाते हो। फिलहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।